Hey guys, I'm Diya Patel and welcome back to my YouTube channel. तो कल से मतलब कि 22nd डेट से हमारे इंटरनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं. अभी 3 दिन बैक टू बैक लगातार पेपर है, फिर 2 दिन की छुट्टी के बाद वापस प्रैक्टिकल्स है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एग्जाम के 5 मिनट पहले वाली पढ़ाई. तो आज फिजियो का पेपर था और मैं कल मुश्किल से 2 घंटा सोई थी क्योंकि बहुत सारा सिलेबस रिवाइज करना था और इसलिए मेरे को सुबह एग्जाम में नींद आ रही थी. तो पूरा पेपर मैंने नींद में लिखा है. मुझे लिटरली कुछ भी याद नहीं कि मैंने पेपर में लिखा क्या है. इस चीज में और भी लोग हैं मेरे साथ में. और प्रभा, कैसा हुआ तेरा फिजियो का पेपर? यार पूरा सो के निकाला पेपर लास्ट के आधे घंटे में. सुन गया था मैंने. कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये गलती नहीं करेंगे. कभी कोई भरोसा नहीं है. तो फाइनली कल हमारे थियोरी एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और हमारे बैच के प्रैक्टिकल्स परसों से शुरू होने वाले हैं. एंड समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग अ डे बिफोर आर फिजियोलॉजी एग्जाम. और ये हुआ था कि मुझे माइग्रेन्स बहुत हो रहे थे तो मैंने दवाई ले ली थी और मुझे ध्यान नहीं रहा कि उस दवाई से नींद बहुत आती है. तो सुबह तक मुझे एग्जाम में भी नींद ही आ रही थी और इसीलिए मैंने पूरा पेपर नींद में लिखा था. लेकिन अब कोई बात नहीं, हो चुका है. एंड यू गाइस टेक केयर कि आप एग्जाम के एक दिन पहले ऐसी गलती ना करो. ऑक्सीजन का यूज हो गया और इसका मेन पर्पस ये है कि ग्लूकोज यहाँ पर बन रहा है और ग्लूकोज हम यूज कर रहे हैं. लैक्टेट वेस्ट हो जाता तो अब वो काम में आ रहा है थोड़ा. और कुछ प्रोसेस में एटीपी लगेगी. ग्लूकोज से जो पाइरूवेट बना था इंटरमीडिएट बाहर की साइड होता है मेंटल फोरामेन और इसको अंदर की साइड बोलते हैं मैंडिबुलर फोरामेन.